हमने शर्ट के ऊपर वीडियो बनाई, ट्राउजर के ऊपर वीडियो बनाई, जर्सी के ऊपर वीडियो बनाई, स्वेटर के ऊपर वीडियो बनाई, तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं पेंट कलेक्शन गाइड पे। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लगाऊंगा आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं जीन्स को। जीन्स होती क्या है? जो हमारा कमर वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट। जो हमारा तोहफे वाला हिस्सा होता है जो हमारा तोहफे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हिप। जो हमारा बटन से लेके नीचे तक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं राइस। और जो हमारा बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं आउट सिम। जो हमारा इनर एरिया होता है उसको हम बोलते हैं इन सिम। तो जो हमारा लेग के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लेग ओपनिंग। जो हमारा थाई के राउंड बॉर्ड हिस्सा होता है उसको बोलते हैं थाई। जब हम जीन्स लेने जाते हैं सबसे पहले हम समझते हैं हमें प्रॉब्लम क्या होती है। जब हम जीन्स लेने जाते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से हमें कौन सी जीन्स अच्छी लगेगी। उसके बाद जो प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब जीन्स लेने जाते हैं तो इतनी सारी जीन्स दिखाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सी जीन्स लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन्स कितने तरह की होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी जीन्स अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनी जीन्स के ऊपर। स्किनी जीन्स जो होती है ये वेस्ट से भी टाइट होती है, थाई से भी टाइट होती है, और जो हमारा राइस एरिया होता है उधर से ये लो या मिड होती है, और जो हमारा लेग ओपनिंग है इधर से भी ये टाइट होती है, मतलब कि टांगों से चिपकी होती है। तो नेक्स्ट हमारी आती है स्लिम जीन्स। जो हमारी स्लिम जीन्स है ये स्किनी जीन्स की तरह ज्यादा टाइट तो नहीं होती, लेकिन जो इसकी फिटिंग होती है वो हिप से लेके थाई तक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसके बाद नी से लेके नीचे तक हल्की सी नैरो होती है, और जो हमारा लेग ओपनिंग है उधर से ये हल्की सी टाइट होती है, उसके बाद राइस एरिया जो होता है वो मिड होता है इसका। तो नेक्स्ट हमारी आती है रेगुलर जीन्स। रेगुलर जीन्स जो है इसकी फिटिंग हिप से लेके थाई तक बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसके बाद नी से लेके लेग ओपनिंग तक जो है ये हल्की सी नैरो होती है, उसके अलावा इसका जो राइस एरिया है वो जो है वो मिड होता है, उसके बाद इसकी जो वेस्ट है वो आपकी कमर के हिसाब से होगी। तो ये थी हमारी रेगुलर जीन्स। तो नेक्स्ट हमारी आती है रिलैक्स जीन्स। रिलैक्स जीन्स जो होती है ये आपकी बॉडी के साथ चिपकी नहीं होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है आपकी ये पैंट, तो इसको बैगी फिट भी बोल सकते हैं। इसका अभी तो ट्रेंड चला गया, इसका ट्रेंड था जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, आज से 6 साल पहले इसका ट्रेंड था, लेकिन अभी ये ट्रेंड में नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से किस तरह की जीन्स लेनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी टाइप थिन है तो आपको स्लिम और रेगुलर जीन्स लेनी चाहिए। आपको स्किन जीन्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी टांगों का ऐसे टाइट करेगी, वैसे ही आपकी टांगे पतली होंगी तो वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिट बॉडी टाइप। अगर आपकी फिट बॉडी टाइप है तो आप किसी भी तरह की जीन्स पहन लें, सारी जीन्स आपके ऊपर अच्छी लगने वाली हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने फैटी भाइयों के लिए कि उनको किस तरह की जीन्स पहननी चाहिए। उनको रेगुलर और रिलैक्स जीन्स पहननी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो कम्फर्ट रहेंगे। अगर वो स्किनी जीन्स पहनेंगे उसके अंदर उनके तोहफे नजर आएंगे, मतलब कि वो ज्यादा टाइट होगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं जीन्स के कलर की, कौन से कलर हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास कलर बेसिक कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लैक। ब्लैक के बाद नेवी ब्लू, ग्रे, वाइट। वाइट भी अच्छा लगता है, लेकिन ये इसको पुल अप करना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है पैंट। सबसे पहले अपनी कलेक्शन में आप बेसिक चीजें करें ऐड, उसके बाद आप ट्रेंड की तरफ जाएं। मतलब कि जैसा एज चार्ट पैचेस वाली चल रही है, कटिंग वाली चल रही है, फिर आप इस तरह की पैंटें पहने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही आपकी इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।